नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आज की फाइनल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस रिपोर्ट में आज हम चर्चा करेंगे देश और विदेश की तमाम घटनाओं की जो आज दिन भर की सुर्खियां बनी रही। पाकिस्तान के शहर पेशावर में तालिबान ने आज बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। आतंकियों ने शहर के आर्मी पब्लिक स्कूल में घुसकर 100 से ज्यादा मासूम बच्चों की जान ले ली। इसके अलावा मारे गए लोगों में स्कूल के टीचर्स और स्टाफ भी शामिल हैं। स्कूल में बंधक बच्चों और शिक्षकों को छुड़ाने के लिए सेना को घंटों लग गए। इस ऑपरेशन में सभी 6 आतंकियों को मारा जा चुका है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उनके प्रवक्ता का कहना है कि नॉर्थ वजीरिस्तान में सेना की कार्रवाई का बदला है। सवाल यह है कि यह बदला मासूम बच्चों से क्यों? पाकिस्तान आज एक बार फिर सबसे बड़े और खौफनाक आतंकी हमले से दहल उठा। इस बार आतंकियों के निशाने पर सेना के जवान या फिर राजनेता नहीं, बल्कि वो मासूम बच्चे थे जिन्होंने अभी तक इस दुनिया में ज्यादा कुछ नहीं देखा। रोज की तरह पेशावर के सी आर्मी स्कूल में 2000 से ज्यादा बच्चे अपने अपने घरों से पढ़ाई करने के लिए पहुंचे थे। सुबह की शुरुआत से लेकर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि 1500 से ज्यादा मासूम बच्चे एक ही पल में आतंक के साए में पूरी तरह से घिर गए। कई आत्मघाती हमलावरों समेत हथियारों से लैस बंदूकधारी आतंकियों ने स्कूल में 1500 से ज्यादा बच्चों को बंधक बना लिया और उसके बाद शुरू कर दिया कत्लेआम का सिलसिला। पेशावर के आर्मी स्कूल में किए गए आतंकी हमले में 132 बच्चों की मौत होने की खबर आई है, जिसमें कुछ बढ़ोतरी भी हो सकती है। और इसके साथ ही आतंकी हमले में शिक्षकों समेत 250 बच्चों के घायल होने की खबर है, जिन्हें इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना ने स्कूल में घुसे सभी आतंकियों को मार गिराया है। घटना के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जहां 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है, तो साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान की सरजमीं से आतंकवादियों का खात्मा होने तक ये जंग जारी रहेगी। वो बच्चे जो शहीद हुए, अल्लाह ताला उनको भी अपने जवारे रहमत में जगह था फरमाया। और मैं समझता हूँ कि जब तक ये दहशतगर्दी से इस मुल्क को मुकम्मल तौर पे पाक नहीं कर दिया जाता, ये जो है ये जदोजहद और जंग ये जारी रहेगा, तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर ज़रब अज़ब शुरू किया है, जिसके नतायज आपने देखे हैं। और ये उस वक्त तक ये ज़रब अज़ब जारी रहेगा जब तक कि दहशतगर्दी को इस सरजमीन से ख़त्म नहीं कर दिया जाता।